हरे कृष्णा। मॉर्निंग चौपास सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1972 लॉस एंजल्स। इफ देर इज लैक ऑफ ओबीडियंस देन देर कैनॉट बी डिसिप्लिन एंड विदाउट डिसिप्लिन वी कैनॉट मैनेज ए ह्यूज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन नहीं हो सकता और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद अति महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। डिसाइपल का मतलब है वन हु इज विलिंगली एग्रीएबल टू बी डिसिप्लिन्ड। मतलब दीक्षा का मतलब है हम डिसिप्लिन स्वीकार करना चाहते हैं, आज्ञा मानना चाहते हैं। स्पष्ट है कि यदि हम आज्ञा नहीं मानेंगे जैसा प्रभुपाद जी कहते हैं तो डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हमारी अपनी भी प्रगति नहीं होगी यदि हम आज्ञाकारी नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति नहीं कर सकते। वास्तव में हम यहाँ इस भौतिक जगत में आए ही इस इच्छा से कि हम स्वतंत्र रहे, हम मास्टर बने, लोग हमारी आज्ञा माने, हम किसी की आज्ञा ना माने। तो यदि वही भावना हम यहां कंटिन्यू करते हैं, उसको सुधार नहीं करते, तो परपेचुअली हम यहीं रहेंगे। इसलिए भगवान के धाम में जाने के लिए हमें आज्ञाकारी होना, डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है हमारे अपने पर्सनल उत्थान के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के उत्थान के लिए। और जब ऑर्गेनाइजेशन ठीक चलेगी तो औरों को कईयों का उत्थान। चलिए, जहां हम जाना चाहते हैं गोलोक में, वहां की स्थिति क्या है? वहां राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सदा सेवा करना चाहती है। उनकी सखियां हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंगदेवी, तुंगविंदेन्दुलेखा, तुंगविद्या, आठ प्रमुख सखी है। उस सब राधा रानी की आज्ञाकारिणी है और वो उनकी सहायता करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अधिक से अधिक प्रसन्न किया जा सके। आगे उनकी उन सखियों की जो है सहायिकाएं हैं जिन्हें मंजरी कहा जाता है, रूप मंजरी, राग मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी इत्यादि इत्यादि। वो सदा तत्पर रहती है अपनी स्वामिनी की सखियों की सेवा करने के लिए। और मंजरियों की सेवा करने के लिए जो है उन्हें किंकरी कहा जाता है। किंकरी, किंकरी का मतलब है किम करोमी, किम करोमी, What shall I do? What shall I do? Give me some service, give me some service. वो हमेशा सेवा मांगती रहती है, आज्ञा मांगती रहती है कि हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें। तो ये मूड जब तक नहीं होगा तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। We have to be proactive. हमें सेवा मांगनी चाहिए, केवल इतना ही कि जितना सेवा बता दी उसको कर लिया नहीं। उदाहरण हमारे सामने है माधवेंद्र पुरी, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, मेरे लिए जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर आओ। अब उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, उनकी आज्ञा मानकर ओबीडियंस चल पड़े वहां के लिए। अकेले इतनी दूर जाना और फिर चंदन लाद कर लाना, हम तो ये सेवा सुनकर भी कांप जाएंगे, लेकिन
एक महान भक्त थे, और वो जब रेमुंडा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां गोपीनाथ जी को क्षीर का भोग लगता है जो बड़ी प्रसिद्ध है। उनके मन में इच्छा हुई कि यदि मुझे पता लग जाए कि इसका स्वाद कैसा है, कैसे बनती है, तो मैं भी अपने भगवान को ये भोग लगाऊं। प्रोएक्टिव, अतिरिक्त सेवा करना। लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि मुझे इच्छा नहीं करनी चाहिए थी, तो चले गए वहां से। लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक कसोरा खीर का चुराया और पुजारी को कहा कि तुम माधवेंद्रपुरी नाम के व्यक्ति मार्केट में उनको देकर आओ। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए चोरी की, इसलिए उनका नाम क्षीर चोर गोपीनाथ पड़ा। लेकिन कैसे भक्त के लिए जो उनके लिए हर प्रकार से सेवा करने में तत्पर है, अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं, अधिक से अधिक आज्ञाकारी है, अधिक से अधिक डिसिप्लिन्ड है। इस प्रकार हनुमान जी को कहा गया कि तुम लंका जाकर सीता जी की खोज करके आना। खोज कर ले उन्होंने, सोचा मुझे कुछ और करना चाहिए, एक्स्ट्रा सर्विस, प्रोएक्टिव। तो उन्होंने लंका जला दी, लंका जलाने का प्रबंध किया, लंका जला दी। तो भक्त जो है वो अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। ये भावना कहाँ से आती है? ये भावना आती है श्री बलराम जी से। श्री बलराम जी पहली एक्सटेंशन है भगवान की, और उनको कहते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। वो भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। वास्तव में वो भगवान की पांच रस होते हैं, पांचों रसों में सेवा करते हैं। शांत रस में उनका बेड बनते हैं, उनके आभूषण बनते हैं, उनका पिलो बनते हैं। दास्य भाव में उनकी सेवा करते हैं, उनके चरण चापन भी करते हैं कई बार। सखे भाव उनके साथ खेलते हैं, वसले भाव में उनका ख्याल रखते हैं बड़े भाई के तौर पर, और माधुर्य भाव में अनंग मंजरी के तौर पर उनकी उस माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं। सेवा करना, आज्ञा मानना, डिसिप्लिन में रहना, ये बहुत आवश्यक। लक्ष्मण जी उन्हीं का अवतार है, उन्होंने कैसी कठिन सेवाएं की है। जब सीता जी लंका से आई तो श्री राम ने कहा कि इनके लिए अग्नि की चिता बनाई जाए, उसमें इनको बिठाए, उसमें इनका टेस्ट होगा ये शुद्ध है कि नहीं है। लक्ष्मण जी सुन रह गए, नहीं मैं नहीं कर सकता, मन में सोचा। लेकिन उन्होंने राम की ओर देखा, लेकिन राम ने कहा कि नहीं ये करना है। तो उन्होंने वो सर्विस की, और बाद में जब सीता जी को लोगों ने, धोबी ने अपशब्द कहे, श्री राम ने निर्णय लिया कि इन्हें मैं जंगल में भेजूंगा। उस काम के लिए उन्हें लक्ष्मण को चुना। लक्ष्मण अवाक रह गए सुनकर कि उन्हें सीता जी को जंगल में छोड़कर आना है। वास्तव में सेवा का जो धर्म है बहुत कठिन है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। नित्यानंद प्रभु अवधूत है, वो सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु उनको एक दिन कहते हैं कि तुम गृहस्थ में प्रवेश कर जाओ और जाकर नवद्वीप में प्रचार करो। वो हैरान रह गए, आश्रम चेंज करना इस प्रकार से। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि तुम अवधूत हो ठीक है, लेकिन जब तुम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करोगे तुम वहां जा सकोगे जहां मैं सन्यासी नहीं जा सकता। तुम वैशाल्य में भी जा सकते हो, गैम्बलिंग डेन में भी जा सकते हो, असाई घर में भी जा सकते हो। उन लोगों को उद्धार करने के लिए तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। तो उनकी अपनी इच्छा ना होते भी उन्होंने ये स्वीकार किया सेवा के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने अपने गुरु की बड़ी सेवा की, ईश्वरपुर जी की बड़ी सेवा की है। गुरु बनने से पहले ईश्वरपुर जी नवद्वीप में आए, कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने लिवाई पंडित प्रसिद्ध थे उस समय, बहुत बड़े स्कॉलर थे व्याकरण के, अलंकार के,
तूने कहा कि तुम मेरा ग्रंथ पढ़ो, इसमें कोई त्रुटि है तो बताना। उन्होंने बहुत मना किया, कहा कि वैष्णव भगवान की महिमा में जो भी ग्रंथ लिखते हैं वो त्रुटि से भरा भी हो तो भी वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, इसलिए इसमें कोई गलती हो नहीं सकती। लेकिन जब ईश्वर पुरुष ने इंसिस्ट किया तो पंडित ने ग्रंथ को पढ़ा, उसमें एक छोटी सी छोटा सा संशोधन उन्होंने सजेस्ट किया। ईश्वर पुरुष ने उसको देखा, उन्हें लगा कि ये जो संशोधन है उनका ठीक नहीं है, जो उन्हें लिखा वही ठीक है। उन्होंने अगले निमाई पंडित को कहा कि नहीं निमाई पंडित, जो मैंने लिखा वही ठीक है। निमाई पंडित ने उसको स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी प्रेस्टीज के। ये है सेवा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्तों ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर एक ग्रंथ लिखो, चैतन्य चरितामृत जिसका नाम हुआ। उन्होंने, उनकी आयु 90 साल की थी, उन्हें ठीक से दिखता नहीं था, उनके हाथ कांपते थे, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन भक्तों ने उन्हें ही इसके योग्य माना। उन्होंने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वो ग्रंथ लिखा। और फिर वो लिखते हैं कि भक्तों ने जो मुझे आज्ञा दी ये उनकी बहुत बड़ी कृपा थी, उनकी मर्सी थी। तो वैष्णव जो कोई आज्ञा देते हैं, कोई सेवा कराते हैं, उसके साथ हमें एम्पावर करते हैं, प्लस ही उनकी कृपा होती है। वी शुड एक्सेप्ट एज ए मर्सी ऑफ द वैष्णव। श्री प्रभुपाद, उनका अपना उदाहरण, उनके गुरु महाराज ने 1922 में उन्हें कहा कि तुम अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महापुरुष का संदेश सारे विश्व में फैलाओ, उसको उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और 43 इयर्स भारत में प्रयास करते रहे और फिर वो अमेरिका में गए, एक आदेश उसका पालन करने के लिए उन्होंने अपना सावन जीवन समर्पित कर। और फिर उन्होंने भी, उनके भी बहुत सारे शिष्य थे, उन्हें हमने पहले ही बताया था कि तीन कपल्स को, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, मुकुंद प्रभु, जानकी, गुरुदास, यमुना माता जी, उन्हें कहा कि तुम लंदन चले जाओ। जस्ट लाइक दैट $50 उन्हें दिए, उधार दिए, ये लौटा देना। उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों जाएं, कैसे करें, क्या करें, वो गए और वहां उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, हरे कृष्ण मूवमेंट को आगे बढ़ाया, यूरोप में स्थापित किया। तो आज्ञा का पालन करना डिसाइपल का पहला कर्तव्य है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई ऐसी असंभव आज्ञा मिल जाएगी। हमने बताया कि जब गुरु महाराज आज्ञा देते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए वो हमें शक्ति भी देते हैं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने जो हमारे गुरु महाराज हैं, श्री प्रभुपाद हैं, उन्होंने जो भी हमें सेवा दी है, देते हैं, उसे करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आज्ञा पालन करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि हमारी जो एक प्रोक्लिविटी है, हमारी जो टेंडेंसी है आज्ञा देने की, स्वामी बनने की, उसको आज्ञा मानकर, सेवक बनकर, दास दास अनुदास की भावना से ही उसे समाप्त किया जा सकता है। और जब वो समाप्त होगी तब हम भगवान के धाम में जाने के लायक बनेंगे। इसलिए हमें हमेशा सीनियर वैष्णव की, गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सुंदर दो संदेश दिए। अगर भक्ति में सफलता प्राप्त करनी है तो उसका महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है गुरु की आज्ञा का पालन करना और दूसरा सेवा करना। तो अगर ये दो चीजें हम अपनी लाइफ में
उतारते हैं, तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिसके द्वारा हम भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू हरे कृष्ण।